17 सीट में तो 1000 2000 के नीचे हम लोग हारे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि पैसे के बल पर, पुलिस के बल पर 17 सीट जो है, 17 सीट में अलायंस का जो है 2000 के नीचे 61, देखो 61% त्रिपुरा के जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। बीजेपी और उसके अलायंस सब मिला के सिर्फ 39% है। इसका मतलब है कि त्रिपुरा के जो 60 से ऊपर प्रतिशत लोग जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं, बीजेपी अभी जीतने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी जो त्रिपुरा का जनता जो है बीजेपी को नहीं चाह रही थी, अब कुछ लोग को खड़ा करके कांग्रेस और लेफ्ट को जो कमजोर करने का कोशिश किया, ये पॉलिटिक्स है, पर पब्लिक नहीं चाह रही थी, ये सच्चाई है। अब ये पार्ट ऑफ लाइफ। इस तरह अपोजिशन को, विपक्ष को, उनके लोगों को, वोटर्स को, सीपीएम के वोटर को, कांग्रेस के वोटर को, जो भी भाजपा के साथ नहीं है उनके साथ कई घरों को लूटा गया, जलाया गया। हम एक डेलीगेशन लेकर आए हैं जिसमें कांग्रेस और सीपीएम के सारे एमपी हैं, एमएलए हैं, यहाँ के सीएलपी वगैरह है, अध्यक्ष है, इंचार्ज है। हम सब उनके घर जाएंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे जितनी भी ये गुंडागर्दी करे, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ। आज हम लोग की पूरी लिस्ट बनी है, वो आपको मुहैया कराएंगे। लगभग 850 घरों को, कई घरों को जलाया गया है, लूटा गया है। तो हम लोगों की कोशिश है कि आज भी 7-8 जगह पे हम लोग जा रहे हैं और कल भी कई जगह पे जाएंगे। जो 3 ग्रुप हम लोगों ने बना लिए हैं, 3 ग्रुप के तहत अलग अलग जगह पे जाएंगे। ऐसा हुआ त्रिपुरा में, ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है। हम लोग जो हिंसा आक्रांत इलाका है उसमें जाएंगे, सबका खबर लेंगे और क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर प्रशासन को और सरकार को इसके ऊपर अड्डी करेंगे।